राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का दिया न्योता। 9 जून की शाम होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किए, अपने हाथों से खिलाया दही। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में रविवार की शाम 7:15 होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लिया शपथ ग्रहण स्थल का जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया, किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर लगी पाबंदी। 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद बोले मनोनीत पीएम मोदी। नेपाल के पीएम और श्रीलंका के प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, दोनों शपथ वाले दिन ही आएंगे। भारत से तनाव के बीच नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मालदीव के राष्ट्रपति, निमंत्रण किया स्वीकार। नरेंद्र मोदी पीएम मनोनीत किए जाने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज, जेपी नड्डा के घर पर चली देर रात तक एनडीए के नेताओं की 1-to-1 मीटिंग। अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 4 घंटे तक चली मीटिंग, एक एक कर एनडीए के सभी दलों के नेताओं से हुई मुलाकात। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अजित पवार, एचडी कुमारस्वामी और जयंत चौधरी पहुंचे, मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है एक एक मंत्री पद, आरएलडी और अपना दल को भी एक एक मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता फॉर्मूला, सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री को दिया जा सकता है पद। टीडीपी नेता कृष्ण देवरायलू बोले केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग राज्य के लिए। नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए, राजनाथ सिंह ने रखा था प्रस्ताव, नीतीश नायडू समेत सभी दलों ने किया समर्थन। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा मुझे लगा इस बार ईवीएम की अर्थी निकालेगी, लेकिन 4 जून को ईवीएम ने इन्हें चुप करा दिया। न हम हारे थे न हम हारे हैं, हम विजय हैं को पहचानना जानते हैं, एनडीए की बैठक में बोले मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा देश रच रहा इतिहास, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बन रही। नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, झुककर किया प्रणाम, मोदी ने थपथपाई पीठ। जालौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, बोले किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा। मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर कांग्रेस का अटैक, पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन ने पहले चुन लिया। गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन थेट्रोलॉजी पर काम करता है। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिले नरेंद्र मोदी, घर जाकर मुलाकात की। कांग्रेस में आज चलेगा बैठकों का दौर, सुबह 11 बजे अशोक होटल में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद दोपहर 1 बजे कांग्रेस ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की संसद के सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे होगी मीटिंग, नवनिर्वाचित सांसदों के साथ राज्यसभा के सांसद भी रहेंगे मौजूद। पार्टी से अलग होने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, दिल्ली में मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं लोग, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जा रहा हूं। मुंबई के कलानगर इलाके में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाए गए पोस्टर, तीसरे कार्यकाल के लिए दी गई बधाई। मुंबई में आज बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे, केंद्र में सरकार गठन के बाद उनकी मांग पर होगा फैसला। सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शाम को 4 बजे बुलाई शिवसेना विधायकों की बैठक, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगा मंथन। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक, हार के कारण की समीक्षा और आने वाले दिनों का तैयार होगा रोड मैप। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक होगी, सभी नव निर्वाचित सांसद बैठक में शामिल होंगे। रामपुर से नव निर्वाचित सपा सांसद मुहिबुल्ला नदवी बोले चुनाव में डेमोक्रेसी और इंसानियत जीती है। घोसी से समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित सांसद राजीव राय ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद किया। मोदी के ईवीएम वाले बयान पर बोले अरविंद सावंत, तो विपक्ष सतर्क था इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए, इस बार विपक्ष मजबूत होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। यूपी के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले अंबेडकर और कांशीराम से सपने को पूरा करूंगा। नीट परीक्षा के रिजल्ट पर छात्रों की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नाराजगी, आज एचआरडी मंत्रालय के बाहर होगा प्रदर्शन। नीट रिजल्ट में धांधली पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई, 651 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंचा भंडार। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान। टी20 वर्ल्ड कप में कनाडा की पहली जीत, आयरलैंड को 12 रन से हराया। टी20 विश्व कप में आज सुपर सैटरडे का मुकाबला, आज खेले जाएंगे 4 मैच, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम पहले मैच में आमने सामने।